हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम दिस इज फैजान पाशा एंड राइट नाउ आई एम हेयर विद अ पॉडकास्ट ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अब आप हैरान हो रहे होंगे कि यार ये फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते जाना से किस लाइन में आ गया ये बंदा लाइक ऑल ऑफ अ सडन ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर पॉडकास्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई तो लेट मी गिव यू अ लिटिल कंटेक्सट ऑफ ऑफ टूडेज़ पॉडकास्ट एक हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं जो काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं और बाय प्रोफेशन ख़ुद भी साइकोलॉजिस्ट हैं और अक्सर उनके साथ मेरी डिस्कशन रहती थी जिस पे वो इस बात पे एम्फसाइज करते थे कि कितना इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में एक ग्रास रूट लेवल पे साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट के यू नो साइकोलॉजिस्ट का साथ में होना तो अब इस पर डिस्कशन चलती रहती थी बट अचानक से अब ये वर्ल्ड कप आया वर्ल्ड कप में वैसे ही चारों तरफ हम इसी पे बात कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान टीम की इस साल की वर्ल्ड कप की क्या परफॉर्मेंस रही और बार बार हमें ये सुनने को मिलता है कि जी डिस्पाइट हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त थी डिस्पाइट के हम पहले और दूसरे नंबर पर थे और सब कुछ ज़बरदस्त था लेकिन बस वर्ल्ड कप में जाके हमें ये नज़र आया कि हमारी टीम शायद साइकोलॉजिकली मैंटली इतनी स्ट्रांग नहीं थी उस उस इंडिया के एटमोसफियर को उस उस ग्राउंड के प्रेशर को उस क्राउड के सर को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो लाइक इवेंचुअली आई रियलाइज किया क्यों ना इसके ऊपर जब सब बात कर रहे हैं तो वैसे तो मेरी अपनी क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग बहुत फारिग है आप मुझे एक मौसमी क्रिकेट फैन कह सकते हैं लेकिन बहरहाल क्रिकेट देखता बड़े शौक से तो आ, मेरे एनालिसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे गेस्ट के कुछ एनालिसिस को लिया जाए तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टू वेलकम मिस्टर सैयद आबिस अली और आप पॉडकास्ट अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं वालेकुम वालेकाम ठीक ठाक है सर बिल्कुल बेहतरीन और uh, सर क्या मसरूफ़ियात हैं आज सर आजकल बस एम फिल के मसरूफियाते हैं और वर्ल्ड कप की मसरूफ यात हैं एम फिल की क्लास ख़त्म होती है घर जाते हैं मैच देखते हैं खैर बहरहाल उससे पहले कुछ मैचेस तो बहुत जल्दी फारिग हो रहे थे ये दो दिन बड़े अच्छे गुजरे जिसमें पाकिस्तान अफ्रीका का मैच हुआ बल्कुल, बल्कुल। फिर न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ तो ये थोड़े यू you नो know, नेल बाइटिंग फिनिशेस थे जो लंबे चल गए वरना तो आठ आठ बजे मैच फारिग हो रहा था टीमें नहीं जो है एक प्रॉपर फाइट ऑन प्रोड्यूस नहीं कर रही थी लेकिन यही है कि बस पढ़ाई और वर्ल्ड कप साथ चला रहे हैं ज़बरदस्त जबरदस्त अच्छा वैसे इस वर्ल्ड कप का जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं ये शुरू में इतने इंटरेस्टिंग मैचेस रहे नहीं लाइक like, uh, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर टीमें थी जो बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आई भी थी शुरू में अनएक्सपेक्टेडली ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरह से परफॉर्म कर रहा था और लाइक अच्छे अच्छे मार्जिन से वो मैच हारना शुरू हुए सब कुछ उल्टा उल्टा होने लगा लाइक हमारे शुरू के दो मैचेस बेहतर थे और हम उनको जीत भी गए थे बट मे बी लाइक हमारे शुरू के दो इतने बड़े मैचज नहीं थे और उसके बाद से जब बड़े मैच स्टार्ट होना शुरू हुए तो बिल्कुल ही टीम कोलेप्स करती हुई नजर आई यहाँ तक कि अफगानिस्तान के मैच में वेरी अनएक्सपेक्टेडली हम बहुत ही कोई कंफर्टेबल तरीके से अफगानिस्तान के हाथों हार गए तो so, यहीं से स्टार्ट करेंगे लाइक डू यू थिंक लाइक माशाल्लाह हमारी टीम में इस वक्त uh, बेहतरीन बैट्समैन है लाइक like, ठीक है एक बॉलिंग साइड में एक कह है सकते हैं कि हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट बॉलर था जो इंजरी की वजह से नहीं खेल पा रहा बट अपार्ट फ्रॉम हिम द ओवरऑल टीम इज़ गुड फिर वैसे भी वी कॉल्ड एज स्पेस फैक्ट्री के बजाई अगर एक जाए तो दो और खड़े हो जाते हैं पीछे आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से इतनी क्रिकेट तो होती है हमारे पास कि हमारे पास अच्छे है अच्छे स्पोर्ट्स मैन अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स तो पर्टिकुलरली एक के बाद एक आ जाते हैं बट डिस्पाइट लाइक इस तरह की परफॉर्मेंस में लाइक आई मीन डेफिनेटली स्किल सेट का एक बहुत बड़ा रोल है आई मीन yeah, I mean, इसको आप निगेट नहीं कर सकते सिर्फ कॉन्फिडेंस से तोहिर से वह टीम मैचेस नहीं जीत सकती यूनीट यू नो प्लेयर्स विध गुड स्किल सेट विध विट विद गुड माइंड सेट इज वेल तो बट स्टिल लाइक कितना लाइक like, कितना परसेंट आप कहेंगे कि यार ये जो ये जो मेन्टेलिटी है या ये जो ये जो एटीट्यूड है या ये जो ये जो साइकोलॉजी है गेम की ये कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है पर्टिकुलरली uh, क्रिकेट में कि आपको अभी बहुत ही ना सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा हम बात करते हैं पहले गेम की न्यूज़ीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को थ्रैश आउट कर दिया बिल्कुल अगर किसी को ये लगता है कि अफगानिस्तान से हारने के बाद उनको लगा कि वो वर्ल्ड कप से आउट हैं उनको पहले दिन से ही पता था कि हमारा वर्ल्ड कप बहुत आउट हो गया क्योंकि जो टीम अटैकिंग क्रिकेट लेके आए और उसी को एक फाइनल की रीप्ले में जो कि फर्स्ट मैच होता है वर्ल्ड कप है उसी दिन उसको उसी काउंटर अटैकिंग प्ले का तड़का मिल जाए तो वो अपनी मैंटैलिटी पे बैकफुट पर ही जाएगा क्योंकि आप कन्फ्यूज हो गए यार ये हम लोगों से कहा रहे हैं आज हम पे ही हो गई वो वहाँ से ही कन्फ्यूज आउट थे एंड अफगानिस्तान की अपसेट जो थी दैट वॉज लाइक अनेल इन द कॉफिन के यार अब हमारे हालात वाकयान फिर से बुरे हो चुके हैं दैट इज़ वन थिंग कि उनकी मैंटैलिटी अफगानिस्तान से आउट नहीं हुई थी वो पहले दिन से ही आउट हुए हुए थे अफगानिस्तान लोगों ने तो बस उसको थोड़ा और यू you नो know, एक कन्फर्मेशन दी कि बॉस आप मैंटली अभी आउट हुए हो आप कब फोकस ही नहीं है अब किसी भी एनालिस्ट को उठाएंगे सब यही कह रहे हैं कि इंग्लैंड कन्फ्यूज नजर आ रही है कोई कह रहा है कि वो अपने टेम्पलेट पर ईगोस्टिक नजर आ रही है लेकिन सब बात वो ये कन्फ्यूज होना भी एक मेंटल स्टेट है कि इंसान लॉस्ट है इवन अगर आपका ईगो स्टेट भी फॉलो कर रहे हो अपने आप को भी अपने जिस चीज़ को बैक भी कर रहे हो वो चीज़ भी आपके माइंड से ही आती है इंग्लैंड वहीं से लॉस्ट था लाइक इफ यू टॉक अबाउट इंग्लैंड लाइक इतना मजबूत उनका ग्रास रूट क्रिकेट सिस्टम है सही है और फिर आई मीन डेफिनेटली आप एग्री करेंगे कि उनके पास इस तरह की हर तरह की टीम अवेलेबल होगी जो कि अपने प्लेयर्स को लाइक ना सिर्फ उनके फ़िटनेस पे उनके स्किल सेट पे काम करती होगी बल्कि साथ साथ लाइक like, डेफिनेटली उनकी यू नो उनके उनकी उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी काम करती बिल्कुल करती तो इतनी ज़बरदस्त टीम वर्ल्ड कप जीत कर आए लास्ट टाइम लाइक कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि यार ये सब की की बैंड बजा देंगे और लाइक ऑल ऑफ अ सडन इतनी बुरी तरह से क्लैप्स करना शुरू यही तो चीज़ है जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते मैं वही तो कहा कि उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट सिखाई उनको लगा हम मुझे भी लगता न्यूजीलैंड को दस पे एक करने के बाद वो थोड़ा एक प्रॉपर मैच बनेगा न्यूजीलैंड ने काउंटर अटैक करने का सोचा हम पीछे ही नहीं हटेंगे हम बस मारते रहेंगे मारते रहेंगे एंड दैट्स वैन आपका मेंटल ब्लॉकेज आता है जब अपने ऑस्ट्रेलिया की बात की ऑस्ट्रेलिया दो मैचेस हारा बड़े मार्जिन से हारा एक मैच हारना था वो हमारे खिलाफ आए वो भी वो हार रहे थे बिल्कुल मैं अभी भी इस बात को एग्जैक्टली exactly, अगर को कोई ये कह रहे हैं कि इट वॉज देयर टू बी लॉस्ट तो बॉस थोड़ा गलत बात है द पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच पाकिस्तान का वो मैच जीता हुआ था इट वॉज आप कहीं से ही नहीं कह सकते कि पाकिस्तान हार के जीता आप प्रॉपर जीत रहे थे आपने प्रॉपर जिस तरीके की क्रिकेट खेली हो स्लो खेली हो तेज़ खेलियो आपको समझ आ गया था कि कैसे लास्ट ओवर्स में दस ओवर में लेके आना है वहाँ पे आप कलेप्स कर गए वो भी उस स्पिनर से जो कुछ नहीं कर रहा था जो अब बहुत कुछ कर रहे हैं उनके लिए एडम जैम्पा बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर आपकी मैंटेलिटी आ जाती है उन लोगों को पता था कि बहुत सारे रनस हैं खेल सकते हैं जैसे ही उनको पता चला कि इफ्तार को आउट करेंगे गेम हाथ में आ गई उन्होंने इफ्तार को आउट करने का सोचा उन्होंने कर दिया प्रेशर रिजवान पे आया यहाँ पे मैंटेलिटी आ गई प्रेशर कैसे बर्दाश्त करना जैसे कल जिमिनीशम कर रहा था पार्टनर्स तो आउट हो रहे थे ना वो फिर भी लास्ट ओवर का ही प्लान बनाकर रखा था जो कि लेके भी गया दैट वाज द टास्क मेरे ख्याल से लास्ट ओवर तो में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लिया था बट फॉर सम रीज़न कुछ बाउंड्रीज इस तरह से रुक गई रुक ना मेरे ख्याल से वो इतना मुश्किल चीज़ नहीं था बट दो तीन बहुत ही एक्स्ट्रॉडनरी डाइट्स थी जिसकी वजह से उन्होंने वो वै बाउंड्रीज यहीं पर आपकी वो गई मैंटेलिटी वाली बात आ गई उनकी फील्डिंग लाइक लाइक नॉट इवन आई इवन वोट कि कोई एशियन हो या कोई यूरोपियन टीम हो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में ऐसी सिचुएशन में आपके हाथ कांपेंगे बॉल हाथ से निकल जाएगी आप पहुँचोगी नहीं आप रिएक्ट तेज करोगे रिएक्ट तेज नहीं करोगे ऑस्ट्रेलिया प्रोएक्टिव थी लास्ट फाइव बॉल्स के लिए लास्ट सिक्स बॉल्स के लिए अच्छा आप अगर थोड़ा सा प्रिसाइजली बात करें लाइक देखिए जनरल डिस्कशन तो हम सबसे ही सुनते आ रहे हैं कि जी असावी तौर पे कमजोर है टीम यू नो लाइक ऑल ऑफ आ सडन जब प्रेशर आता है तो बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर पाते मशहूर है एक गिरता है लाइन लग जाती है सही है बचपन से मैं भी बड़ा हो गया यही देखते हुए कि लाइक वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टिन टीम मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका आ जाएगी या शायद साउथ अफ्रीका पहले नंबर पे आ जाए बट आई थिंक इन दो कंट्रीज़ के बारे में मैं जितने अनलिमिटेड क्रिकेट मैंने देखी है मैं हमेशा अनसर्टेन रहा हूँ कि लाइक अगर उस दिन भी लाइक अब तक के पाकिस्तान के जितनी मैचेस थे जिसमें फाइनली हम बैक फुट पर आए उसके बाद मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि हम वापस फ्रंट फुट पर आ सकेंगे लेकिन शायद साउथ अफ्रीका के मैच में मैं बड़ा होपफुल था कि यार लाइक डिस्पाइट के मैच हमारे हाथों से निकल ले लाइक बट दे कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक बिकॉज यू नो अगर आप कोई 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 वर्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो ना तो वो इन्हीं दो टीमों से कर सकते थे ठीक है और वो हुआ इवेंचुअली लाइक आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई से साउथ अफ्रीका की टीम और बस फॉर सम रीजन हम जीत नहीं सके अदरवाइज हमने ऑलमोस्ट उस मैच को पार्ट लगा लिया था तो पाकिस्तानी टीम में पर्टिकुलरली लाइक like, अगर लाइक like, थोड़ा सा मैं प्रिसाइज होना लाइक साइकोलॉजी like, या साइकोलॉजिकल एलिमेंट इज अ वेरी जनरल टर्म यानी वॉट कैन बी अ मोर प्रिसाइज टर्म वैन वी टॉक अबाउट कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में साइकोलॉजी में ये वाला मसला है तो क्या कहेंगे आप उनकी लैक ऑफ रिएक्शन और क्लैरिटी का मसला होता है फॉर एग्जाम्पल आप जब डेथ को बॉलिंग करते हैं इट्स अ बेसिक थिंग जो यहाँ पे आपने भी जितनी गली क्रिकेट खेली हो मैंने भी जितनी खेली हो मैंने जितनी, जितनी हार्ड बॉल खेली हो आप जब लास्ट ओवर्स में आते हो और लास्ट बैट्समैन है आप प्रॉपर एम करते हो कि विकटों पर मारनी है आप ये प्लान ही नहीं करते कि शॉर्ट पिच करेंगे कि कैच हो जाएगा बाउंसर करेंगे तो ये हो जाएगा आप प्लान करते तो बस डंडों पर मारो आउट हो जाएगा सर आप पूरा वो लास्ट टू ओवर्स देखें जो फास्ट बॉलर्स हैं जो के हैं, तो कि लास्ट ओवर तो स्पिनर करते हो उससे पहले की तीन ओवर्स देख लें या दो ओवर्स देख लें मुश्किल से कोई बंदा विकेट पे हिट करने की भी सोच रहा हो सोच का मसला थॉट पैटर्न्स ही वो नहीं आते हम लोग इतने डिफेंसिव हो चुके हैं कि हमारा ये है कि नहीं यार वो गलती करे हमें आउट नहीं करना हमें क्लियर कट इजी सोल्यूशन पे नहीं जाना हम यू ना वो चुरंगिया घूमेंगे फिर ना कुछ ना कुछ हो जाएगा कुछ ना कुछ स्ट्रेट सोल्यूशन ये था पैर पे मार दें विकेट पे मार दें एक यॉर्कर ही तो करनी थी हार्डली किसी ने यॉर्कर की हमारे यहाँ यारकर स्पेसलिस्ट हुआ करते थे तो मैं तो अपने अब्बा चाचा इन लोगों से यही सुनता आया हूँ कि यार वसीम वक़ार इमरान शुएब अख्तर इवन फॉर द फैक्ट अब्दुल रजाक के नजर महमूद वर ऑल राउंडर्स येट दे बोल्ड वेरी फास्ट आपने देखा होगा आपके टाइम के ज्यादा अप्रोप्रिएट है बिल्कुल ये चीज़ वहाँ पे मिसिंग थी अब जो मैंने सोच की बात की ना मैं आपको अगर थोड़ा लेके जाऊँ ट्वेंटी नाइनटीन पे क्योंकि ऑब्वियसली बात है सोच ऐसी ठीक नहीं होती काम करना पड़ता सालों की मेहनत होती है तब जाके नजर आता कि कुछ हुआ 2019 में आपने अपना पहला मैच हारा वेस्ट इंडीज से जिसके नेट रन रेट की बुनियाद पे आप आउट हुए थे वो एक मैच था जो आखिरी दिन तक हॉन्ट करता रहा था आपको आखिरी दिन तक आप जीते उसके बाद चार या पांच लगातार मैचेस जीते थे बट पहला जो हारे थे ना वो शॉर्ट बॉल के उससे हारे थे वो एक शॉर्ट बॉल का डर और उससे हारे वो चीज रही हमारे यहाँ अब जो हुआ, जो हुआ जब हमें इंडिया जैसी बड़ी टीम मिली आप फाइट करके भी हारते तो शायद आपकी मैंटेलिटी इतनी लो नहीं होती उस मैच में आप कभी प्रेजेंट ही नहीं हुए स्टार्ट अच्छा मिला कलेप्स हुए रन थे नहीं इंडिया की फॉर्मिडल बैटिंग लाइनअप थी हार गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत पीटा उन्होंने बैंगलोर में आपको स्टार्टिंग में पीटते रहे एंड में आपने कम किया स्टार्ट भी अच्छा मिला कलेप्स हुए हार गए कलेप्स को रोकने के लिए आपको माइंड से ही खेलना पड़ता है कि कोई एक बंदा या तो काउंटर अटैक कर ले या डिफेंसिव या हो जाए

दस रन का कहना वसन इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि जब आप लिथार्जिक हो आपकी मेंटली डाउन हो तो बॉडी भी डाउन होगी कोई बंदा आके फॉर ह्यूमरस वे भी कह दे कि यार हम इन्होंने दस रन कम बनाया बंदा तो हंसे गए ही ना थोड़ा या थोड़ा गुस्से में आएगा या हंस जाएगा वो अपेंटली हंस गए मैच खेलने गए थोड़ी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी जीत कर अफगानिस्तान के मैच के बाद आप नेगेटिव एनर्जी पे थे आपने फाइडबैक किया अफ्रीका के खिलाफ बट वही वाली बात जो आपकी माइंड की क्लैरिटी है वो नज़र नहीं आती हमारे यहाँ सिंपल सी बात ना कि यॉर्कर करनी थी किसी की क्लैरिटी थी नहीं बंदा रिवर्स करना चाह रहा है शॉर्ट पिच करना चाह रहा है कह रहे कि एज लगे आप विकेट पे मार देते सिंपल सी बात थी जो मुख्तलिफ टीमें करती हैं जो कल न्यूजीलैंड ने किया डेथ पर उन्हें विकटों पर मारियाँ उन्हें थोड़ी ना बोला मैं शॉर्ट पिच करूंगा या मैं बाउंसर करूँगा उनको पता है भाई पीट रहे हैं, और मार देंगे विकेट पर मार दी इनिंग क्लोज हो गई लैक ऑफ क्लैरिटी होती है आपका थॉट पैटर्न है आप सोचने हमारी टीम के सोचने की सलाहियत या तो आपको बैकवर्ड जा चुकी है या हमें कभी ना सोचना सिखाया नहीं जाता ऑन ग्रास रूट लेवल या ऑन मिनिमलिस्टिक लेवल के कैसे किया जाता है जिसकी मैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हूँ जो मैं इंडिया की एक बात कर रहा था फ्रॉम द अंडर नाइनटीन टू आई पी एल टू द रांची ट्रॉफी बात ये नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट है या नहीं बात उनकी ट्रेनिंग की है उनको सिखाया ही यही जाता है कि ऑन बिगर स्टेजेस कैसे परफॉर्म करना है तभी जब भी उनका कोई बंदा डेब्यू करे या आ जाए मैच खेलने वो परफॉर्म करता है

प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक जो हमने बचपन से देखा हुआ है कि भाई पचास ओवर पूरे खेलने और चालीस ओवर तक किसी तरह से पांच छह विकेट बचा के बचा के है। खेलने सही है और आखिरी के दस ओवर नो डाउट हमारे यहीं पर जो आखिरी के दस ओवर की साइकोलॉजी इतनी खतरनाक है कि दुनिया का कोई कंट्री शायद आखिरी के दस ओवर में वो स्कोर नहीं बनाता होगा जो हमारी टीम बनाती है और वैसे डिफेंड भी नहीं करता होगा जैसे हम करते हैं जैसे हम कर लेते हैं क्योंकि क्योंकि आई थिंक वो वाला पार्ट हमारा साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है ना वेदर फ्लाइट और फ्राइट होता है हमें पता है कि यार आप बस अगर आखिरी के दस ओवर में चार पाँच विकटें बची हुई हैं आप हमसे सौ बोलोगे हम सौ चेस करेंगे एक बोलोगे हम एक सौ चेस करेंगे अब प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में टारगेट अगर साढ़े तीन सौ गए ना तो आप चालीस ओवर तक अगर स्लो खेलोगे तो आप कुछ भी कर लो आप आखिरी के दस ओवर में वहां तक पहुँच नहीं पाकि इसकी एग्जाम्पल इसकी आपने साउथ अफ्रीका से मैं क्यों ग्लोबली बात कर रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में ये जाइंट्स हैं हम जाइंट्स तो क्या हम तो पीछे ही खेल रहे हैं हम तो अभी कूदे ही नहीं मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है अगर मैं इसी में नेचुरल और पाकिस्तान की बात कर लूँ तो मैं एक लड़के का नाम लेता हूँ कभी देखा हो खेलते हुए कभी सुना मैब का नाम सुना बिल्कुल मुझे नहीं पता मैं इतनी अभी नॉलेज रखी नहीं ना मैंने काउंट किया कि हमने अभी तक जितने मैचेस खेले हमने कितने छक्के मारे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस बंदे ने अकेले सी में अट्ठाईस छक्के मारे थे मैं इतना तो कह सकता हूँ हमने अट्ठाईस छक्के इस टूर्नामेंट में अभी तक नहीं आचा, मारे अच्छा इस पर मैं बिल्कुल एक बात खेलूँगा जैसे मैंने भी बड़ा आ, जितनी अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी क्रिकेट को पाकिस्तानी क्रिकेट को ऑब्जर्व किया लाइक like, उसमें प्रॉब्लम ये कि हमारे पास जब भी इस तरह के प्लेयर्स आए जो पर्टिकुलरली पावर प्लेस में उठा के खेलना चाहते हैं सही है लाइक like, uh, या थोड़ा एग्रेसिव है यू नो लाइक दे डोंट वेट कि यार किया पहले चार ओवर में सेटल होंगे mm -hmm. फिर पाँच छः ओवर में या वी विल वेट फॉर द बैट बॉल्स टू कम जैसे मामूला का एटीट्यूड है कि लाइक like, अगर आप मुझे बैट बॉल नहीं करोगे तो मैं आपको हिट भी नहीं करूँगा सही है ना लाइक like, मैं जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया है ना लाइक नो डाउट भाई वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का टैलेंट है इससे इससे कोई डाउट नहीं है बट जो जो एटीट्यूड नज़र आता है ना लाइक like, वो ये नज़र आता है कि भाई यू हैव टू गिव मी अ बैट बॉल ठीक है ना अगर आपने ओवर में तीन बैट बॉल किया ना वो आपको तीन चौके मारेगा अगर आपने ओवर में छः अच्छी बॉल किया ना तो वो छः की छे के खेल के चला जाएगा आपको और उसमें एक भी चौके नहीं पड़ेंगे अच्छा जो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में यू टॉक अबाउट इमरान नज़ीर यू टॉक अबाउट क्या कहते हैं जुनेदे ठीक है ना यू यू टॉक अबाउट अभी जैसे हमारे पास साई मयू टॉक अबाउट हारिस ठीक है अच्छा आमिन क्या रीज़न होता है कि यार ये

आई डोंट थिंक उसकी बेसिस पे कभी भी उसको आप एक लंबे से टीम में खिला सकते थे बिकॉज उसमें कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा एलिमेंट है जो ना आपको पता है यार वो दो मैचेस में कंसिस्टेंट एक तेज प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि जिसको आप कह रहे हो कि इसको अग्रेसिव खेलना है अग्रेसिव मीन्स कि बॉल हवा में जाएगी आप लोग तो फिजिक्स वाले हो मैच के हो सकते चांसिस की प्रॉबीबिलिटी होती है ना जितनी बार हवा में जाएगी हो सकता है कि आधे बार तो कैच ही हो जाएगा कंसिस्टेंसी ऑफ अग्रेसिव प्लेयर नहीं होती वो उसके ऊपर बैकिंग होती है जैसे डेविड वार्नर मैं इसको एक आई के वाक़ से करूंगा कि आई में स्ट्रगल कर रहा था तो उसके कोच ने उसको यह कहा कि भाई तुम्हें ना लाइसेंस दे रहा हूँ कप्तान हो लेकिन लाइसेंस है जैसे खेलना खेलो स्लो खेलना है जाओ स्लो खेलो तेज खेलना है तेज खेलो कोई सवाल नहीं पूछेगा एंड दैट्स वैन ही स्टार्टेड गेटिंग दैट एग्रेसिव माइंड सेट जब आपको पता है ना कि ऑल शो है मैं आउट होऊंगा कोई नहीं पूछेगा मुझसे मैं तेज खेलूंगा कोई नहीं पूछेगा मैंने तेज क्यों खेला दैट्स वैन ही बिकेम दैट डेविड वॉर्नर जो हम अब देखते हैं आप ऑस्ट्रेलिया के लिए देखना कल पहली बॉल से मारा है उसने उसको क्या फ़र्क पड़ा है तो लाइसेंस मिला है ना नीचे से अच्छा इसका कितना बड़ा रोल है लाइक like, आप ये लाइसेंस अगर फकर समान को कंटिन्यू दे वो यही करके इवन आप इमामुल को दे दें लाइसेंस तो दें मेरे मेरे ख्याल से टीम में जगह बनाने के लिए स्लो खेलना पड़ता है ये ये कितना ये, ये कितना सच है ये like, मुझे इवेंचुअली कभी कभी यही फील होता है कि यार देखिए लाइक यू यू प्ले अग्रेसिव योर चांसेस ऑफ यू नो आपका एवरेज नहीं जाएगा इवेंचुअली आपके जो पीछे लोग बैठे हैं, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है जिन्होंने जिन्होंने आपके कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने वो नंबर देखने और इवेंचुअली लाइक like, जब बात स्टैट्स पर आती है तो मेरे ख्याल से शायद इतने मजे के स्टैट्स आपको नहीं मिलेंगे इन जिन जिनकी हम बात कर रहे हैं जो इस तरह से खेलते हैं अच्छा इसमें लेकिन लेकिन इसी तरह के प्लेयर्स फॉर एग्जाम्पल यूडर रोहित शर्मा

मैं 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 उसको लिटरली अलग ही ब्रीड समझता हूँ क्योंकि तो जिस तरीके से वो बैटिंग करता है आखिरी दस ओवर वो चाहे तो वो किसी दिन दो सौ भी करवा देगा अपनी टीम को द वे ही इज प्लेइंग लेकिन वो माइंडसेट से आता है वो कोच का जो है उसको बैक है उसको आपके कैप्टन का बैक है उसको जो पोजिशन दी गई है बैक इन द डे एल वी मॉर्कुल होता था ए वी डी फिलियर्स होते थे लांस क्लूजनर नाइनटीज के टाइम ये वो पोजिशन होती थी ही फील्ड अप लाइक दैट पोजिशन तो ही लिव्स अप टू दैट और जो साउथ अफ्रीका ने दी हमने कभी फ़ील ही नहीं किया हमने इमरान नजीर जाया किया चला गया मुझे जो हम ज़ाया करते हैं हम फील नहीं, नहीं करते मुझे जो पर्सनली फील होता है वो ये होता है कि लाइक आप आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किसी के केपेसिटी में हम कह सकते हैं हमने इमरान नजीर को ज़ाया कर दिया बट यू नो लाइक एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है जैसे हमारे पास फ़खर जमान रहा है हम उस नाम में फ़खर जमान को भूल गए एक एक बहुत बड़ा मसला ही है कि लाइक जैसे फ़ॉर एग्जांपल आज अभी मैच चल रहा है जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आई थिंक ये रिलीज जब होगा तब तक तो मैच खत्म हो चुका होगा आज अगर आप रोहित शर्मा की बैटिंग को देखेंगे जैसे ही तीन विकटें गिरी हैं ना रोहित शर्मा वो द डिफरेंट प्लेयर adapt, एक और नाटेलिटी का प्रॉब्लम ये कि हमारे पास जो अग्रेसिव खेलते हैं अगर वो लाइक जैसे शाहदाफ्रीदी से लेके आप किसी का भी नाम ले लें अब अगर उनका माइंड सेट अग्रेसिव है तो मतलब अग्रेसिव ही है हुँ. सही है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पर आपको अब थोड़ा सा स्लो खेलना है या अब थोड़ा सा सिचुएशन को अडॉप्ट करना है थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करनी है जो मुझे अपनी अपनी बैटिंग लाइनअप में नज़र आता है वो प्रॉब्लम ही नजर आती है कि हमारे पास दो तरह के प्लेयर्स हैं जैसे हम कहते हैं अंधा धुन बल्ला घुमाने वाले बिल्कुल या तो ऐसी टेक्स्ट बुक प्लेसमेंट करने वाले कि दुनिया ही उनक, उनके बाउंड्री को बार बार देखते रह जाएगी जाए क्या अब यू टॉक अबाउट अब्दुल्ला शफी यू टॉक अबाउट बाबर आजम यू टॉक अबाउट ईवन इमाम या नो डाउट ऐसे ऐसे क्लासी शॉट्स जिनको आप कहते हैं यार लाइक like, टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं ठीक है लेकिन इनसे आप कसम उठवा लें कुछ भी कर लें लाइक आपको कभी जरूरत पड़ जाएगा यार लाइक like, आज आपने भाई तेज़ खेलना तेज़ है शुरू से एंड तक तेज़ खेलना है या ऑल ऑफ अ सडन तेज करना है जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं देखने अगर हम थोड़ा सा पार्टनरशिप कर भी लेते हैं और फिर इवेंचुअली अब जरूरत पड़ती है कि भाई आपने रनस अप इतने कर लिए हैं या विकटेंतनी है वो आपके हाँ में, या अब खेलो, तो मोमेंट देखो या तो कोई कैच आ जाता है या तो वो उनके अंदर ही नहीं है उनको पता है कि यार मैंने बल्ला घुमाना है ना, तो, या तो मैं कैच हो जाऊंगा या तो मैं मिस कर जाऊंगा तो लाइक यहाँ पे क्या साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है या फिर ये स्किल सेट का मसला है मैं इसका बहुत सिंपल जवाब दूंगा मैंने जब जो है खेलता था हार्ट बॉल का तो एक कोच ने बड़ी अच्छी मुझे बात की सर रिजवान होते थे उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी मुझे लगता था छक्का मारने के लिए ना यू हैव टू हैव अ प्रॉपर फिजीक बॉडी हो जान हो नहीं बोली छक्का मारना है ना दिल बड़ा करो दिल बड़ा होगा ना बड़े दिल से शॉट खेलोगे चली जाएगी हमारे यहाँ लिटरेली यही है कि कोई बड़े दिल से खेलता नहीं है वेरी सॉरी टू से जो मैं जब ये बड़े दिल की बात कर रहा हूँ ना आप वही आप कोहली को या आप एंड्रिक क्लासन की बैटिंग छक्के मार रहा होता है आपकी भी हालत हो रही अब यॉली तो हवा तो में चल गई क्या होगा हम जैसे लोग का दिल कमज़ोर होता है उन लोगों का नहीं होता उनका दिल इतना बड़ा होता है उनको पता हमें तो खेलना ही यही है डेविड वार्नर फॉर एग्ज़ाम्पल या आपका कल जिमी नीशम हो गया जो तो शॉर्ट्स में मार रहा था हाफ ऑफ द टाइम तो शायद हाथ पे कोई पकड़ लेता लेकिन क्यों मार रहा था दिल बड़ा था ना उसको भाई इसको पता है कि अब मारने और कोई टाइम ही नहीं है मैं क्या मतलब मैं चौकों से छोड़ना ना ये नब्बे रन पूरे करूँगा छक्का तो मारना पड़ेगा अब उसको इतनी थॉट क्लैरिटी है कि छक्के मारने फिर उसका दिल भी बड़ा है हमारे यहाँ पहले तो थॉट क्लैरिटी नहीं थी हमारे यहाँ दिल भी बड़ा नहीं होता दीज आर टू एलिमेंट्स और दिल बड़ा होना भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ही होता है आपके और मेरे thought ये से, ही से दिल से बड़ा एग्जांपल सूर्य कुमार यादव की लूं वो ओडीआई में भी वैसे ही अडेप्ट करना चाह है जैसे वो खेलता है बट नोबडी इज लाइक यू नो टेलिंग नहीं तुम गलत करो बिकॉज दे नो कि उसकी नेचुरल गेम से आउट हो जाएगा अगर हम उसको वो प्रॉपर एक ओडीआई का मैंटालिटी वाला प्लेयर बनाए उसकी मैंटालिटी में ही वीडियो गेम क्रिकेटर जैसे विराट कोहली उसको एज अ वीडियो गेम क्रिकेटर बोलता है कि उसकी जो तो शॉटें होती हैं वो ही वीडियो गेम जैसी होती हैं जो तो हम ई ए टू थाउजेंड सेवन या ब्राइन लारा में मारा करते थे प्ले स्टेशन पर वो ऐसी शॉटें खेलने का आती है ये प्लेयर अगर पाकिस्तान में पैदा हो जाए दो साल बाद ही आपको प्रॉपर एक डिफेंसिव प्लेयर नज़र आएगा हम उसको उसकी नेचुरल गेम पर खेलने ही नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ वो कल्चर पीछे से पीछे से ही आ रहे हैं और कल्चर ही नहीं है कि कैसे एक्सेप्ट किया एक एक एक। जैसे आपने जो बात की थी बड़ी एक अच्छी बात मुझे याद आ गई जो आजकल यूनिवर्सिटी में भी होते है तो मैं करता हूँ कि हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसे प्लेयर्स होते या क्यों नहीं आते इस वक्त अगर मैं एक नाम लूँ अबरार अहमद एक नाम चल रहा था जो कि बेचारे रिजर्स में ही रह गया और मोस्ट प्रोबली वेरी लाइकली रिजर्स में ही रह जाएगा फॉर दिस वर्ल्ड कप एटलीस्ट उससे बड़ा अच्छा मैं एक शो देख रहा था डॉक्टर नवान न्याज को उन्होंने बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है आदमी की आपने किया ये कि आपने स्पिन अटैक बनाया जिसमें आपके पास था नवाज़ शादाब कहीं ना कहीं सलमान अली आगा और कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज अच्छा एक चीज़ मुझे नहीं पता आपको पता है कि शकील कैन बोल वेरी गुड एज वेल डू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट मैंने कभी नहीं किया <laughs> सर कभी फर्स्ट क्लास टैक्स छुटाएगा अच्छा आपको नज़र आएगा कि उस बंदे ने फर्स्ट क्लास में बॉलिंग की है और अच्छा। बुरी और नहीं की यस लेफ्ट स्पिनर है ओहो हमने, तो कभी हमने कभी अप्लाई करने का सोचा जबरदस्त है लेफ्ट हमने कभी किया कि नवाज कर रहा है साथ साथ नवाज नहीं तो पहले एक आध ओवर सौश गिल से करा दें यहाँ पे वो कैप्टनसी का माइंड सेट आता है यहाँ कोचिंग का भी माइंड सेट आता है कि एक प्लेयर जो करता रहा है फर्स्ट क्लास में और टी ट्वेंटी में भी किए हुए मैंने शायद देखा एक आधने नेशनल टी ट्वेंटी में दो तीन ओवर फेंकते हुए एक ऐसा बॉलर जिसको हम बैट्समैन कंसिडर करते हैं तो एक और स्पिनर था जो आज तक यूज नहीं हुआ शायद हो भी ना अपना टाइम भी नहीं बचा ये हमने स्पिन अटैक बनाया पीछे कोई स्पिनर ऐसा बैठा भी नहीं है तो पता है अगर ये बुरा भी खेलेंगे इन्हें ही खेलना दैट्स द मैनेजमेंट और कह लें कैप्टन का कह लें ये रिजर्व ले गए अपने साथ? नहीं रिजर्व इसलिए तो रखा है क्योंकि तो रिजर्व की लॉजिक अगर आप उससे आपकी आगाही ना हो रिज़र्व आएगा तब जब इनमें से कोई प्लेयर प्रॉपर्ली इंजर्ड होगा मेडिकल रिपोर्ट जाएगी पैनल के पास आईसीसी की वो, वो वन डे में रिव्यू करेंगे वो फिर बोलेंगे कि जी ये बंदा फर्दर ऑन पार्ट नहीं कर सकता अब आप ला सकते हैं वो रिजर्व रखा ही इसलिए गए कि वो आएगा ही तब जब कोई लंगड़ा लूला होगा उससे पहले कोई आ नहीं सकता दैट वॉज द डिसऑनेस्टी जिस टीम ने फेस किया आपको एक स्पिनर अच्छा चाहिए था वो बैठा हुआ है प्रॉपर स्पिनर जिसको काम करना आता है टेक्निकली वो एक मिस्ट्री स्पिनर भी है मैं तो खैर उसको एक ऑफ स्पिनर मान लूँ लेकिन उसको तो लोग मिस्ट्री स्पिनर मारते हैं मैं नहीं पता वो क्या स्पिन करता है लेकिन ही हैज़ मेड हिज नेम इन द इन टेस्ट क्रिकेट और ओडिया टेक्निकली अब टेस्ट क्रिकेट का शॉर्टर फॉर्मेट बन चुका है तो ही वुड हैव डन समथिंग तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे बोर्ड 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 का 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 है का? जब जब तक कैप्टन तक, तक, एक, एक exactly. उस वक्त है। तक वो ऐसे, ऐसे प्लेयर्स लेंगे नहीं उस वक्त तक वो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे जब इवेंचुअली आपने टीम सिलेक्शन करनी है इसकी एवरेज सबसे होगा अगर आपको केटर करना है लोगों को अच्छा स्टैट्स ने आपको केटर करना है कि नहीं नहीं यार मुझे इसको रखना है नहीं नहीं यार ये जाएगा तो होता है ये चीज़ भी माइंड सेट आती है जब आपका माइंड ही अटल्ली डिफेंसिव है तो आप कोई भी टीम बनाओगे चाहे वो आपकी अंडर नाइनटीन की हो स्टेट की हो आपके मुल्क की हो वो डिफेंसिव ही खेलेगी आपको फ्रॉम पॉइंट ज़ीरो जो है ना शुरू करना होगा कि नहीं यार अब हमें तेज़ क्रिकेट ही खेलनी है जैसे जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ कुछ लोगों को था कि इससे पहले क्यों आ गया वो मैनेजमेंट का फैसला आई लाइक द वे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की बहुत गलत सिचुएशन में बट समाइम्स यू नो वो कहते हैं फॉर्चून फेवर द ब्रेव करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में यू नीड टू टेक सर्टिन डिसीजन सर्टिन कॉल्स जो या तो आर या पार कर देते हैं लेकिन लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज़ तो किया क्योंकि सैट ये आवाम है ही इतनी डिफेंसिव वो डिफेंसिवी रेडी ही नहीं है उस माइंड सेट के लिए अगर आप साइमे यूब को खिला देते और वो परफॉर्म नहीं करता उस तो विचार का करियर तबाह हो जाता कोई भी टैलेंटेड यंगस्टर जो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये तो हमारे जो जो इन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ नहीं किया द्रेवल्ड हिम इन द दूडिया स्कॉट उसके सात ओडिया मैचेस में शायद दो रन थे दे स्टिल बैक आज भी खेला और आज शायद मेक और ब्रेक कर देगा चालीस रन तो मेरे सामने कर दिए थे जो टारगेट होगा जो टारगेट हो होगा अगर इंडिया ये मैच जीतेगा तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्सन जिसको उन्होंने बैक किया बुरी बैटिंग परफॉर्मेंसेस पे क्योंकि वो बैकिंग उस बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी कॉन्फिडेंस एक इंटरनल फैक्टर है हमारे यहाँ किसी का कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं किया जाता उल्टा ये किया जाता है सौ करो बचे रहोगे और सौ करोगे स्टार बन गए तो बन गए मैं इसका जो सिंपल लोगों को फूटफॉट हॉट देता हूँ मैं बोलता हूँ एक बात जा, एक बात जो है जानने की कोशिश करें हम एक बंदे की बात करते हैं विराट कोहली ऑलमोस्ट फिफ्टी हंड्रेड्स होने वाली हैं डेब्यू पे सौ मारा था क्या ज़रा चेक तो करें सिक्सटी सिक्स को हो रहा शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग माई स्टार्ट सिक्सटी सिक्स या सिक्सटी टू किया था डेब्यू पे मगर उसके एक डेब्यू के सिक्सटी टू से इंडिया ने ये नहीं कहा कि ही कांट बी वॉट ही इज टू बिकॉज दिन यू की यार पहला मैच है हो जाता है बंदा नर्वस होता देखे 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 है रैश शॉट खेल लेता है फर्स्ट फर्स्ट टाइम आए हमारे ये उसूल नहीं है मास के साथ हमारे तो ये करो या मरो दैट्स इट कर दिया तो जियोगे नहीं करोगे तो बाहर में जाओ अच्छा आते लाइक क्योंकि मैं खुद एक एक एक, स्कूल टीचर हूँ लाइक आई टीच इन डिफरेंट लेवल कॉलेजेस और यहाँ पर्टिकुलरली हमारे यहाँ ओ लेवल से ए लेवल्स स्कूलों में फिर भी थोड़ा कल्चर ए लेवल्स में तो पर्टिकुलरली प्रॉपर क्रिकेट टीम्स होती हैं और अच्छी टीम्स होती हैं और अच्छे अच्छे कोचेज़ होते हैं जिनको आप स्पर्ट्स टीचर कह सकते हैं जो उनको अच्छा ट्रेन कर रहे होते हैं बट uh, अभी तक मुझे किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में ये एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की पोजिशन नज़र नहीं आई जिस पर लाइक like, uh, मेरी आपसे ही बात होती है और मैं वैसे भी कॉलेजेस में लाइक like, एडवाइस कर रहा होता था कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आई आई एम पीटी शोर कि लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ भी डिफरेंट कॉलेज में कुछ कॉलेज की टीम्स का एक अपना प्रेशर होता है hmm. कि यार आज अगर हमारा इस इस एक्स वाइज हेड कॉलेज से मैच पड़ गया है ना तो यार इनकी तो फुटबॉल की टीम हर साल ही क्रेज़ी होती है इनकी तो इनकी तो लाइक तो, लाइक बास्केटबॉल की टीम हमेशा से बड़ी क्रेज़ी रहती है तो इवेंचुअली यूँ ना आप प्रेशर में आ जाते हो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे कॉलेज से हो जिसकी लाइक आप टीम का पार्ट हो और वो टीम इतनी मशहूर नहीं है या उसका उतना रोब नहीं हो उतना दबदबा नहीं तो लाइक like, किस तरह से आप समझते हैं कि ये हम इनक्रगेट कर सकते हैं लाइक like, इस इस इस, इस ग्रास रूट लेवल पे लाइक एज एज स्कूल के बच्चे कॉलेज के इसके सबसे इम्पोर्टेंस है क्यों बच्चे को इस लेवल पे पता हो कि स्ट्रेस एंजाइटी या मेंटल फिटीक भी इन बच्चों पे हो जाती है बच्चों पे तो ज़्यादा ही हो जाती है क्योंकि वो लोग स्टूडेंट एथलीट्स हैं यानी रिसेंटली एक जगह इंटरव्यू दिया तो वहाँ से मुझे बड़ा अच्छा मिलेगा वो स्टूडेंट एथलीट्स होते हैं वो सिर्फ एथलीट्स थोड़ी ना वो स्टूडेंट्स भी हैं दे नीड टू स्टडी एज वेल तो स्टडी well. तो का अपना प्रेशर है परफॉर्मेंस ना हो रही हूँ मैं एक लाइक एक्सट्रीम एंड्स की बात कर रहा हूँ एक टेस्ट खराब हो, हो, हो गया एक बैटिंग खराब हो गई टेस्ट खराब हुआ अम्मा अब्बा क्या बोलेंगे या टीचर क्या बोलेगा या सोसाइटी क्या बोलेगी से निकाल दिया जाएगा और वहाँ बुरा स्कोर किया तो टीम से वो होगा कि भाई आज तुम्हें बैठना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्कोर नहीं आया तो बच्चा वैसे ही डाउन हो जाता है दैट्स वैन यू नो एक साइकोलॉजिस्ट इसलिए हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वो उसके इमोशन को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है उसको प्रॉपरली बता सकते हैं कि तुम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हो मजेदार बात यह है कि हमारे तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क लोड बैलेंस नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है मैं तो चाहता हूँ बच्चों के लिए हो ग्रास रूट से ये एक शुरू हो जाए कि वर्क लाइफ बैलेंस हो बच्चों को पता हो कि कब खेलना है कब पढ़ना है कैसे दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है आया अगर वो करियर देखना चाह रहे हैं तो उसमें वो कैसे इस चीज़ को साथ भी बैलेंस कर सकते हैं या किसको किस रेशो पे रखेंगे कुछ बन जाए बच्चा या तो फुल स्पोर्ट या फुल पढ़ाई बहुत कम ऐसी स्कोर होंगे जिसमें एक ऐसा बंदा होगा जो एस्टा भी मार रहा है और सौ भी फिर कर रहा है और हाँ और जाके सौ भी कर रहा है बहुत चांसेस ऐसे हैं कि जो सौ कर रहा है वो शायद यू ला रहा है बहुत चांसेस ऐसे हैं जो सौ करके आ रहा है वो बेहतरीन सौ कर रहा है उसका ग्रेड यू आ रहा है अब एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मेरे योग कि उस बच्चे को इतना करना है कि उसके एक ग्रेड मेंटेन हो कि वो बी या सी से एवरेज की तरफ आए और वो अपनी क्रिकेट पे भी या फुटबॉल पे भी फोकस करता रहे राष्ट्रवाल ने कहा कि जब दो मेगा कॉलेज सामने आते हैं तो इंटेंस गेम इसलिए देखिए प्रेशर बहुत हाई है आपस में अगर कॉलेज़ का कोई राइवरी बन गई या आपस में ये है कि कॉलेज को जीतना है इस कॉलेज के साथ पर्टिकुलरली जीतना है जैसे हमारे होते हैं इंडिया पाकिस्तान का गेम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का गेम इवन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का वो प्रेशर गेम्स होते हैं और वो प्रेशर गेम्स स्किल के नहीं होते वो मैंटेलिटी के प्रेशर गेम्स होते हैं वहाँ पे जो नर्व्स पे काबू रखेगा या जो मेंटली स्ट्रांग होगा वही प्रिवेल करेगा नहीं नहीं बिल्कुल मैं इससे ज़रूर एग्री करूँगा लाइक मुझे याद है जब मैं टीचर बना तो अक्सर ऐसा होता था कि स्कूल में जब हमारे पास टीचर्स के पास कुछ फ्री ब्लॉक्स होते थे तो मैं जाकर क्रिकेट खेल रहा होता था नीचे बच्चों के साथ मज़ा आता था मुझे और खूब छक्के चौके भी लगा रहा होता था और हालांकि ज़ाहिर है बच्चे बेहतर है उनकी फिटनेस ज़्यादा है वहाँ जब फिटनेस रही नहीं बॉलिंग भी हो जाती थी एक दिन से वैसा ही हुआ एक स्कूल के ग्राउंड में मैच चल रहा था तो इट वॉज टीचर्स वर्सेज स्टूडेंट्स मैच सही. और पूरा स्कूल लाइक कोई हजार डेढ़ हज़ार बच्चा चारों तरफ से खड़ा हुआ है और उस दिन जो, जो है ना लाइक मेरे हाथ में बॉल थी मैं बॉल करने के लिए जब दौड़ने लगा ना फॉर सम रीज़न सारे बच्चों को मेरा नाम पता था सकता हूँ उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो बॉल कहां जाएगी

ये तो किसी कॉलेज के ग्राउंड में मैच हो रहा है ना आप फर्स्ट करें कोई कराची की किसी ग्राउंड में चले गए दो कॉलेज का फाइनल हो रहा है ये जो भी बच्चा इस वक्त खेल रहा है मैं आपको एक जनरल आइडिया भी दे रहा हूँ कभी चाहे तो ट्राई भी करके देख लीजिएगा कि कोई एक टीम गई आप बोले आज ना पूरा कॉलेज जाएगा इस को सपोर्ट करना है पूरा कॉलेज सबको फॉर एग्जाम्पल ऑफ दे दिए पूरा कॉलेज लेके चले गए एक टीम को सपोर्ट करें टीम ए को और टीम बी बहुत अच्छा खेलते हुए आ रही लेकिन टीम बी का को कोई सपोर्टर नहीं है और ये टीम ए के सारे सपोर्टर हैं इन्हें पता है कि इनके कौन से प्लेयर हैं चिल्ला रहे हैं या अपने कॉलेज का इनाम ले रहे हैं सामने वाली टीम उस दिन अंदाजा करेगी कि प्रेशर होता क्या अभी ये ग्राउंड खाली कर दे दोनों टीमें अपना ए गेम लेके आएंगी एक फैक्टर चेंज कर दें फैंस का या वो कि अब प्रेशर आ रहा है कि एक टीम को सिर्फ सपोर्ट किए जा रहे हैं हालांकि ये टू वे जाएगा टीम बी के पास कोई सपोर्ट नहीं है तो तो वो ये कहेंगे यार हमें तो कोई देखने ही नहीं आया लेकिन जो टीम ए है अगर मेंटली होगी तो वो यार, हम तो हमारे बैकअप सपोर्ट है हम सही हैं think... लेकिन अगर उनको ये होगा कि यार इनके आगे परफॉर्म करना है अगर हम हार गए तो क्या होगा तो प्रेशर इक्वल हो जाता है सोच का मैटर है बाद में फेसबुक के फला टीम जीती फला टीम ये, ये हुआ तस्वीरें आ गई बिल्कुल लेकिन अगर आप इसी को यूं कर देंगे यार आज आज पूरा कॉलेज ऑफ है जाएगा उसका मैच आज देखने पूरा कॉलेज जाएगा इस मैच को देखने आई थिंक उस वक्त आप एक्चुअली अपने इन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सच्ची बात बोलूं उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी टीम जो है उसके प्लेयर्स में दम है भी या नहीं। और इस बच्चे से आप कर सकते हैं कल को अगर ये exactly. तो कप चीज को कैटर देख लिया देख लिया। करने के, के लिए ना आपको इसका एक्सपीरियंस चाहिए होता है मैं इससे अगर स्टेप आगे जाऊं जैसे मैं जब इंटर्नशिप करता हूँ मुइन खान एकेडमी में तो मैंने उन बच्चों को नेट प्रैक्टिसेस में ना मैं इरीटेट करता था उन्हें क्योंकि मेरा काम ही उनको इरीटेट करना था उनको समझाना था कि अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा है तो हाउ डू यू कंट्रोल योर क्योंकि इससे पहले मैं एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल देता हूँ फिर इसको मैं लिंक कर दूंगा आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जब खेलते हो वेदर इन ऑस्ट्रेलिया वो तो खैर उनका होम ग्राउंड है तो वो तो डेंजरस स्पॉट है फ्रॉम फैंस टू देयर पिचेस टू देयर टीम एंड टू देयर माइंड सेट जनरल वर्ल्ड कप्स में भी उनको स्लेच करने की बहुत आदत है बिल्कुल वो क्यों करते हैं उनको क्या कुछ शौक है गाली देने का नहीं भाई वो तंग करना चाहते हैं गेट इन योर स्किन कि यार बंदा गलती करे इसको गुस्सा आ जाए गुस्सा जाए, 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 या जज्बात में आके कोई गलती कर दे इस पर भी आपकी मेंटेलिटी का ही काम होता है उनकी मेंटेलिटी में यही है कि कैसे किसी के माइंड में घुसना है और लोगों में क्या होता है वो प्रेशर ले लेते हैं वो तंग आ जाते हैं वो इरिटेट होते हैं वो एग्रेशन जो उनमें है ही नहीं और आउट होकर आ जाता है और आउट होकर आ जाता है ये चीज़ आपका जो है ना मैं मोइन खान अकेडमी में बच्चों के साथ करता हूँ मैं उनको बोला यार अभी तुम लोग को दस रन बनाने हैं और उनकी नेट प्रैक्टिस शुरू होती तो दस बॉलिंग थी मतलब दस बॉल में दस रन बनाने बच्चा मैंने जब ये कहा ना बच्चा सेट दस रन बनाने ना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसके बारे में चलता क्या दस रन बनाने ना चौका छक्का हो गया काम दस रन ही तो है वो जैसे ही अपना गार्ड लेता वो बंदा बॉलिंग कर रहा होता मैं बोलता लेकिन यार एक ट्विस्ट है बोला सर क्या ट्विस्ट है बोला ये दस रन ना तुम्हें सिंगल डबल करके बनाने कोई छक्का या कोई चौका नहीं बोला सर का छक्का चौक्का मार दिया तो मैं बोला मैं दो रन और ऐड कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल टेन बॉल्स टेन रन पहली बॉल हुई उसने छक्का मार दिया हाँ अब नौ बॉों पर बाहर है अब उसको नौ बॉलों पर बाहर भाग के बनाने माइंड सेट बनाया बच्चों से नहीं होता था क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतना अपने आप को समझते हैं कि छक्का ही चौका सब कुछ है कि हमने सिंगल डबल की वैल्यूज छोड़ दिया अब यहाँ पे जो हमने एक लेजेंड की बात की विराट कोहली की कभी कभी वो होता है करते ही गए पचास रन बनाए भाग के अगले पचास के बाउंड्रीज है

मेरी बहन गई भी थी क्लिफ्टन की साइड उसको पिक एंड ड्रॉप देना था तो उस दिन मुझे फीलिंग आ रही थी कि कुछ होने वाला है कर जाएंगे कुछ नहीं नहीं कुछ बुरा होने वाला है आ गई थी थी क्या कुछ आज इनर फीलिंग तभी मैं सच्ची बात अगर बोलूं ना अगर मैं अपने दिल की बात करूं जो भी अफगानिस्तान से हारे हैं ना वो मुझे डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा शायद अभी भी टाइम लग रहा है संभावे वाली हार मुझे नहीं चुपती थी क्योंकि वो आप खुद हारे थे वो आप खुद हारे थे आपकी गलतियां थी उस पर मैं भी आ जाऊँगा अफगानिस्तान में तो देर वॉज लाइक मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं कोई आउट नहीं हो रहा मतलब अफगानिस्तान आपसे आउट नहीं हो रही थी और ना आपकी अंदर कोई कोई एक्शन नजर आ, रहा है कि यार कुछ ऐसा लाइक काउंटर स्ट्रेटजी या कोई लाइक यू नो समथिंग के कुछ होगा तो कुछ हो जाएगा जो अफ्रीका के खिलाफ हो रहा उनकी था गलती का इंतजार कर रहे थे हम गलती का इंतजार हम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे हम चाह ही नहीं रहे थे कि कुछ हो बहरहाल जो जंबावे वाली गेम थी उसका उसी से मैंने ये सेशन प्लान बनाया था मोहन खान वाले बच्चों के लिए क्योंकि उसमें हुआ ये था कि हमें तीन बॉल पर उस वक्त बंदे ने ये ये सोचा मारनी है है अगर वो वो सोच लेता कि सिंगल डबल करना है, तो वो आप या तो या सुपर ओवर तक जाते जीद जीद जाते जीत बिल्कुल उस बंदे की देखे सोच देखे में ही वो बात नहीं आई कि यार मुझे अच्छे से तीनों ने उठा के निकालने की कोशिश की थी उनका काउंटर अटैक काउंटर वो इतनी अब यहां पे जो मैंने बात जिस शुरू की मैंने वो ही कहा कि मेंटालिटी में आपका थॉट का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते कैसे हो अगर आप सोच ही डिफेंसिव रहे हो आपका एक एक एक्शन चाहे वो आपकी बॉल हो आपकी फील्ड हो आपकी बैटिंग हो आप डिफेंसिव रहोगे इसकी प्राइम एग्जांपल अभी हम जब बात भी कर रहे हैं तो ये रेलिवेंट भी है इंडिया इंग्लैंड के पहले दस ओवर विराट कोहली आज आउट कैसे हुए उन्होंने इतना तो ब्यूटीफुल एनालिसिस किया सारे कमेंटेटर्स ने एंड आई वाज हैप्पी कि उन्होंने किया क्योंकि लोग कभी कभी ना कोई इंसान इतना एक्सेप्शनल होता है ना जैसे आपके सामने भी होता है आप तो टीचर लाइफ में कि किसी बच्चे बच्चे की बुरा ग्रेड आ गया तो ये लाइक कवर कर देते हैं कि खैर वन ऑफ़ होता है उस वन ऑफ़ में भी कोई पैटर्न या कोई ट्रिक नज़र आ जाती है कि ये गलती हुई क्यों कि बच्ची ने क्यों गलत कर दिया हो सकता है कि उस दिन पढ़ के ना हो हो सकता है उस दिन कुछ और माइंड में चल रहा हो तो पेपर का फोकस ही नहीं था हो गया विराट कोहली आज Nine या एट बॉल डक पे गया है। उसके करियर के वर्ल्ड कप का पहला डक ऑब्वियसली फील होता है मगर आउट करने की स्ट्रैटेजी इतनी खूबसूरत फील्डिंग टाइट रखी उसको सिंगल लेने नहीं दिया टू द पॉइंट ड्राइव मारी का अपना फेमस कवर ड्राइव मारा तो वो बंदे ने एक हाथ से पकड़ के बॉल रोक दी सिर्फ रोक दी कोई भरम नहीं मारे जैसे हमारे यहाँ होता ना कि रोका तो भरम, भरम मारे रोक दी बस और बॉल जमीन पर ही रख दी कि भाई चौका रुक गया अगली गेंद पर रैश शॉट खेल के आउट हो गया माइंड से खेल रहे कि अटैकिंग फील्डिंग अगर आप फील्ड में भी अटैकिंग माइंडसेट से जाएं तो ये हाल हो सकता आप क्या है आपके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है मैं ग्रास रूट से क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं किसी कॉलेज टीम से क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि वो जा रही तो है अगर हम हैं, तो हमें एफर्ट जो है वो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी मेरा प्लान ही ग्रास रूट लेवल का आई एम नॉट एमिंग मैं पाकिस्तान का साइकोलॉजिस्ट बनूँ इन कभी मौका हो तो बनेंगे लेकिन मैं फ्रॉम डाउन लेवल कर क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ओबियसली क्योंकि इंडियन क्रिकेट बहुत फॉलो किए ना जहाँ तारीफ़ दी होती है वहाँ आप तारीफ़ कर दो उनका ग्रास रूट लेवल से ही बच्चा स्ट्रॉग बन बिल्कुल सर हमारे पॉडकास्ट का वक्त वैसे तो समय ख़त्म होता जा रहा है मज़ा बहुत आया आपसे डिस्कशन करने, बिल्कुल। करने के, और करने को बहुत सारी बातें जो मेरे सामने क्वेश्चन आ रहे भी हैं बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लिमिटेड टाइम तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं हम इस तरह से बैठें और इस तरह की डिस्कशंस हों जहाँ पर इस बात पर एम्फसाइज किया जाए कितना इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और मेरे ख्याल से आज की इस डिस्कशन में जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि आई थिंक वी नीड टू एम्फेसाइज ऑन दी आइडिया कि भाई जब स्कूल्स कॉलेजेस अपने कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट कराते हैं तो बस ये ना हो कि भाई आज ये दस बच्चों का क्योंकि इवेंट है तो इनको क्लास से एग्जामेशन मिल जाती है वो बहुत बड़ा आसान हो जाता है स्कूल की तरफ से कि जी आज आप क्लास नहीं ले सकते है। आपको आज़ादी आज आप छुट्टी कर सकते हैं और बस आप जाएँ एक फलाने ग्राउंड में एक स्कूल की बस से जो आपको लेके जाएगी वहाँ पर आप मैच खेलेंगे वापस आ जाएंगे मेरे ख्याल से अगर वहाँ पर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो भी जाती है तो आई डोंट थिंक वुड थिंकोर कि यही परफॉर्मेंस जब किसी भरे हुए ग्राउंड में इसी बच्चे से करवाई जाए तो शायद वही मैं आई मीन नाइन्टी 90% आपको बच्चे चोक करते हुए नजर आएंगे फिर और मैंने कहा कि डबल प्रेशर इट्स नॉट कि जो कॉलेज की टीम खेल रही है उसके पूरा सपोर्ट हो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो टीम जीत जाएगी वो बच्चों का ये भी हो सकता है आज पहले हार रहे थे तो कोच देख रहा था वो ग्यारह जो खेलने आए हैं वो अगर, देख रहे थे ऑल ओवर सडन आज हमारी पूरी कॉलेज आई हुई है हम हारे पूरे कॉलेज से देखा कि हम उसके सामने हार के हार ये ये बिल्कुल एग्री करने वाली बात है लाइक एज अ टीचर मैं क्लास में जितने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहा होता हूँ मेरी क्लास में आप ऑल ऑफ अ सडन किसी चार नए बंदे को बैठा दें जिसका काम पढ़ना नहीं है जिसका काम सिर्फ देखना है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ एक्जैक्टली मैं नहीं पढ़ा सकूँगा क्लास में आप मेरी क्लास में आके वैसे ही बैठ जाए यार आज मेरा मूड हो रहा है देखने का हालाँकि मे बी आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इस सब्जेक्ट की फिर भी ना मैं अजीब लाइक like, अपने हिसाब में ही नहीं रहूंगा मेरे को पता नहीं क्या सोच रहा होगा यार मैं हिल रहा क्यों मैं ऐसे क्यों खड़ा हुआ मैंने बच्चों से ये क्या बात कर दी आई मीन यू नो इवेंचुअली वो वो साइकोलॉजिकली आप इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं exactly. कि वो उस 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 सीनारी में आपकी परफॉर्मेंस कुछ और है और वैसे खाली ग्राउंड में परफॉर्मेंस कुछ और है बिल्कुल तो स्टिल सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर फॉर योर प्रीशियस टाइम और लाइक जबरदस्त एनालिसिस

ह्यूमन भी है जस्ट टेक योर मेंटल हेल्थ सीरियसली एंड स्पीक अपू नीड एनी थिंक यू की वी लाइक दे आर लॉट ऑफ क्लिनिक्स इन कराची और मैं तो खुद एक अभी हमारी मैम के साथ रिफ्लेटेड हुआ हूँ होप एंड कोप साइकोलॉजिकल सर्विसज के नाम से तो वहाँ पर भी अ गुड एक नया स्टार्टअप है बट देव अ गुड फर्दर ऑन आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी और आगे बहुत अच्छी चीज़ें प्लान भी किए हुई हैं तो पीपल कैन रीच आउट टू डेट बट इवन इफ़ यू डॉन्ट रीच आउट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जस्ट रीच आउट दोस्त से बात कर लो यार कोई मसला नहीं है किसी से भी बात करो बट ट्रस्ट मी स्पीकिंग हेल्प आप जितना ओपन अप हो किसी से शेयर करोगे आपकी वाकइन मेंटेलिटी में बहुत फर्क आएगा और पॉजिटिविटी भी आ सकती है विद डैट ऑल डन थैंक यू थैंक यू वेरी मच एवरी